Hi everyone, welcome back to our channel JMDI Academy. Today we have Ashish with us. Sir. Ashish, कहाँ से हो आप? सर मैं आसाम से हूँ. आसाम से हो, great. क्या mindset में था आपके जब after 12th के? Why do you want to join Merchant Navy? सर after 12th जब मैं YouTube पे सर्च कर रहा था कि options 12 के बाद क्या क्या आ सकते तो मुझे उनमें से एक Merchant Navy मिला. सो मैं सर्च करते करते प्रिंस सर का वीडियो देख लिया JMDI Merchant Navy Decoded चैनल में. okay. और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स है इसके और मतलब कैरियर डेवलपमेंट बहुत अच्छा था इसको मैं मतलब इसीलिए मैं उस पर प्रभावित हो गया. और जब मैं कौन मतलब देख रहा था कि ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से क्योंकि मुझे ऑनलाइन नहीं करना था. सो घर से भी ऐसा ही था कि ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन करो. सो मैं देख रहा था तब मुझे JMDI अकेडमी बारे में पता चला और देखा कि मर्चेंट नेवी करने के लिए इससे अच्छा इंस्टीट्यूशन शायद मुझे नहीं मिलेगा कहीं. सो मैंने मेल किया था इधर JMDI के ईमेल अकाउंट पे. okay. और मुझे पंकज सर मिले तब और उनसे बातचीत हुई और उर्मिला मैम से भी बात हुई और आ गया मैं जुलाई में इधर. ग्रेट. तो अभी कितना टाइम हो गया है आपको? सर मुझे लगभग अभी 8-9 महीने हो जाएंगे. 8-9 महीने हो चुके हैं. तो एनी फेवरेट टीचर इस बीच? सर टीचर्स तो बहुत अच्छे अच्छे मिले हैं लेकिन मेरे अगर फेवरेट क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है सो फेवरेट टीचर राहुल सर है और इंग्लिश में भी अरविंद सर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. ओके ग्रेट. तो अरविंद सर ने भी पूरी मेहनत करी है आप लोगों के साथ राइट? यस सर. ओके. एंड बेसिकली जो व्यूअर्स देख रहे हैं आसाम से काफ़ी क्वेरीज हैं इस बार जो माइंड में रहता है उनके दैट हम बहुत दूर हमें जाना पड़ेगा. जो भी सोचते हैं कि यार हम देहरादून उत्तराखंड में क्यों जाएं JMDI अकेडमी हम आसपास से ही प्रिपेयर कर लेते हैं या खुद से ही प्रिपरेशन कर लेते हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे आप? सर पहली बात तो क्योंकि आसाम नॉर्थ ईस्ट के एकदम अपर सेक्शन में लोकेटेड है तो ये कोस्टल एरिया से तो बहुत दूर है. अदर उधर मतलब मर्चेंट नेवी के बारे में मेरे को पता ही नहीं था मतलब मुझे ऑनलाइन ही पता चला. सो लोगों मतलब अगर किसी को थोड़ा जानकारी भी है तो वो मतलब बाद में दब जाते हैं जब पेरेंट्स बोलते कि इंजीनियरिंग कर ले मेडिकल ले कोई नहीं कर रहा. इससे अगर मतलब अगर आपको कहीं किसी लेवल पे पहुंचना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और ये सब चीज़ें मतलब कि दूर है घर से ये नहीं करना वो नहीं करना अगर ऐसे सोचेंगे तो शायद ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है. एग्जैक्टली क्योंकि अभी तो ये इंडिया के अंदर की बात हो रही है जब शिप में जाएंगे तब तो फिर पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करना है राइट. एंड अभी आपने बताया कि पेरेंट्स उतना आसाम में जो है कहते हैं कि बच्चों को इंजीनियरिंग वगैरह कर ले. आजकल इंजीनियरिंग आपने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया? सर एक्चुअली 12th तक तो मुझे कोई नॉलेज नहीं था मतलब कि मैं इंजीनियरिंग करूँ मेडिकल करूँ क्योंकि मुझे एक लाइफ में मतलब एक जॉब नहीं मिली थी जो कि मुझे लगा कि इसमें इसके लिए मुझे पैशन होगा. बट मर्चेंट नेवी के बारे में पता चलते ही मुझे लगा कि हाँ दिस अलाइंस वेल विद माय प्रोफेशनल गोल्स. सो गोल्स आपने पहले से ही बना रखे थे राइट? तो इतने मैच्योर इनफ हो कि हाँ पहले ही गोल्स बनाए थे और वो प्रोफेशन मिल गया तो वो उसके साथ अलाइंड वॉल्स में चल रही है. दैट्स ग्रेट. तो बेटा जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं आसाम से देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से देख रहे हैं जिनको JMDI अकेडमी ज्वाइन करना है जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? सो व्यूअर्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको IVCT या फिर स्पॉन्सरशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए अगर प्रिपरेशन करनी है अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप घर में हो पाएगा आपको रिसोर्सेज मटेरियल्स तो आपके लिए एक ही ऑप्शन होगा JMDI अकेडमी क्योंकि इंडिया में इससे अच्छा अगर कोई कोचिंग सेंटर है मुझे तो पता नहीं सर. कोई बात नहीं ठीक है ऑल द बेस्ट. एंड एक अच्छे थॉट के साथ जा रहे हो अभी जर्नी स्टार्ट हो रही है ऐसा मत सोचना कि अभी एकेडमिक्स हो गया क्लियर हो गया तो अभी एंड हो गया नाउ द रियल जर्नी स्टार्ट्स. ठीक है ऑल द बेस्ट विशेस थैंक यू सो मच.